नमस्कार, टारगेट विद्यालोक के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के खास सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। अपने इस सेशन में हम बीते सप्ताह की उन बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होता है। तो चलिए आज के इस खास सेशन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में ग्राहकों को विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूनिकली आइडेंटिफिएबल नंबर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने देश में नवीन नंबरिंग प्रणाली योजना को शीघ्र लागू करने की सिफारिश की है। दूर संचार विभाग अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी ITU के दूर संचार मानकीकरण क्षेत्र अनुशंसाओं के आधार पर लैंडलाइन और मोबाइल नेटवर्क नंबरों का प्रबंधन करता है। नंबरिंग संसाधनों का प्रबंधन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के तहत किया जाता है। ट्राई की माने तो हाल ही में टेलीकॉम सेवाओं में बड़ा विस्तार देखने को मिला है और साथ ही साथ कनेक्शनों की संख्या में अपार वृद्धि हुई है। लिहाजा उपलब्ध नंबरिंग संसाधनों विशेषकर मोबाइल सेगमेंट में इनकी पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। वर्तमान में जो नंबरिंग योजना उपलब्ध है उसे 2003 में अपनाया गया था। एक अनुमान के अनुसार नवीन नंबरिंग प्रणाली साल 2033 तक उपयुक्त रहेगी। ट्राई ने सिफारिश किया है कि ऐसे किसी भी बदलाव से पहले वर्तमान 10 अंकी मोबाइल नंबर प्रणाली के स्थान पर 11 अंकी मोबाइल नंबर प्रणाली को अपनाना, ऑपरेटरों द्वारा बंद किए गए मोबाइल नंबरों को टेलीकॉम कंपनियों को पुनः आवंटित करना, लैंडलाइन से कॉल करते समय मोबाइल नंबर के आगे शून्य का प्रयोग करना जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। आपको बताते चलें कि लैंडलाइन से इंटर सर्विस एरिया में मोबाइल कॉल के लिए नंबर की शुरुआत में शून्य लगाना होता है। इन सारी प्रक्रियाओं को अपनाने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे 11 अंकों की प्रणाली अपनाने से ग्राहकों को अतिरिक्त अंक डायल करने और फोन मेमोरी को अपडेट करने की आवश्यकता होगी। इससे टेलीकॉम कंपनियों को नंबर डायलिंग त्रुटियों और राजस्व हानि का सामना करना पड़ेगा। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी संसद ने चीनी अधिकारियों को उइगर मुस्लिम को हिरासत में लेने से रोकने के लिए लाए गए विधेयक को स्वीकृति दे दी है। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्वीकृति के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा। दरअसल चीन पर आरोप लगते आ रहे हैं कि वह 10 लाख से ज़्यादा उइगर कज़ाकों और दूसरे मुसलमानों को पकड़कर बंदी शिविर में डाल दिया है, जहाँ उनको अपनी पहचान छोड़ने यानी इस्लाम छोड़ने और हान चीनियों के प्रभुत्व वाले साम्यवादी देश चीन में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन चीन का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। वह शिविर में रखे मुस्लिमों को अतिवादी विचारों से मुक्ति दिला रहा है और साथ ही उन्हें व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण दे रहा है। चीन का हान समुदाय के लोगों को बसाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उइगर मुस्लिमों को सरकारी या किसी प्रकार की नई नौकरियों में कम से कम प्रतिनिधित्व देना है, जिससे वहां पर रह रहे मुस्लिम समुदाय को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जा सके। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति कोरोना वायरस महामारी के लिए लगातार चीन को जिम्मेदार ठहराते आए हैं। वहीं अब इस नए बिल के कारण दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है। हाल ही में COVID-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष यानी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड यानी PM केयर्स फंड की स्थापना की थी। घोषणा के कुछ दिनों के बाद से ही सोशल मीडिया पर PM केयर्स फंड को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। इसी संदर्भ में एक याचिकाकर्ता ने अपने RTI आवेदन में PM केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड और इसके निर्माण और संचालन को लेकर सभी संबंधित सरकारी दस्तावेजों और परिपत्रों की प्रतियां मांगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने PM केयर्स फंड से संबंधित RTI में मांगी गई जानकारी को देने से इनकार कर दिया। PMO ने कहा कि RTI अधिनियम के तहत यह सार्वजनिक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी जानकारियां संबंधित वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं। ट्रस्ट डीड में ट्रस्ट के गठन का उद्देश्य, फंड को कहां से लिया जा सकता है और ट्रस्ट की शक्तियां शामिल होती हैं। RTI आवेदक का कहना है कि जब पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है तो फिर PM केयर फंड्स का गठन क्यों किया गया।
इसके अलावा पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह प्रावधान भी इसे सार्वजनिक प्राधिकरण बनाता है। सबसे बड़ी बात कि फंड के संबंध में जारी आवश्यक दिशा निर्देशों को कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है, जो यह बताता हो कि पीएम केयर्स फंड सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। आम जनता से प्रभावी संवाद बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मीडिया नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के माध्यम से स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में लोगों तक पहुंचने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करने के साथ साथ देश की एकता, अखंडता और फर्जी खबरों पर रोक लगाई जाएगी। इतना ही नहीं, इस नीति से प्रदेश में मौजूदा विज्ञापन आवंटन नीति में विसंगतियों को दूर कर विज्ञापन आवंटन प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई पत्रकारों पर उनके द्वारा की गई रिपोर्टिंग को लेकर FIR दर्ज की थी। दो मीडिया कर्मियों पर आतंकवाद विरोधी गैर कानूनी रोकथाम गतिविधियां अधिनियम यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। नई मीडिया नीति के अनुमोदन के साथ ही सरकार और भी बेहतर और प्रभावी तरीके से आम जनता तक कल्याण, विकास और प्रगति की खबरों को पहुँचाने में सक्षम हो पाएगी। नवीन नीति 2020 में व्यवस्था की गई है कि भारतीय जनसंचार संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे संस्थानों में मीडिया एकेडमी की स्थापना की जाएगी, जो प्रदेश में पत्रकारिता के उच्चतम स्तर को बढ़ावा देगा और इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किए जाएंगे। इस नीति के अनुसार प्रतिवर्ष दो मीडिया कर्मियों को उनके बेहतर योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा और प्रदेश के सभी विभाग जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग के साथ संपर्क करने के लिए एक नोडल अधिकारी को नॉमिनेट किया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए विभाग में एक सोशल मीडिया सेल की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक ही इम्पैनलमेंट के अध्यक्ष होंगे। नीति के अनुसार गठित समीक्षा समिति की अध्यक्षता भी उनके जिम्मे रहेगी। अम्फान और निसर्ग तूफान के बाद अब मैक्सिको में ट्रॉपिकल तूफान क्रिस्टोबल का खतरा मंडरा रहा है। क्रिस्टोबल मैक्सिको में लैंडफॉल से तबाही मचाने के बाद देश के आंतरिक इलाकों को प्रभावित कर सकता है। यह तूफान पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुए अमांडा उष्णकटिबंधीय तूफान से उत्पन्न हुआ है। गौरतलब है कि हाल ही में अमांडा तूफान से अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ था। आपको बताते चले कि उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबल की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में हुई थी। हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले तूफानों को चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में आने वाले तूफानों को विली, पश्चिमी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर में हरिकेन और पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में ऐसे तूफानों को टाइफून कहा जाता है। देश के युवाओं को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा ने अ रिमाइंडर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज नाम से एक लघु वीडियो जारी किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और UGC के निर्देशानुसार CUPB के EBSB क्लब ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत और कुलपति प्रोफेसर RK कोहली के दिशा निर्देशन में इस वीडियो को तैयार किया। इस वीडियो का उद्देश्य देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना, COVID-19 से मुकाबला करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा जारी निषेधात्मक दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ सभी को संकल्प से सिद्धि की ओर अभियान का हिस्सा बनाने के लिए अपील करना है। इस वीडियो में देश भर के 28 विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 28 CUPB EBSB क्लब के छात्र स्वयं सेवकों ने भाग लिया और मौलिक कर्तव्यों का अनुवाद अपने अपने राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में किया। मौलिक कर्तव्यों का भारत के मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। इसे वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। 1976 में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी, लेकिन 2003 में किए गए 86वें संविधान संशोधन के जरिए इसकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड के 15 सांसदों को
पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करने में समिति की सहायता के लिए परिसीमन आयोग के सहयोगी सदस्यों के रूप में नामित किया है। दरअसल चुनाव से पहले विधानसभा से युक्त किसी राज्य के अंदर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। परिसीमन का कार्य परिसीमन आयोग करता है, जो एक सशक्त आयोग है। इसकी सशक्तता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके द्वारा दिए गए आदेशों को कानून माना जाता है और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी के मद्देनज़र रखते हुए परिसीमन आयोग ने स्पीकर और पूर्वोत्तर के चार राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों को हाल में पत्र लिखकर समिति के सहायक सदस्यों के नाम देने को कहा था। आयोग का आदेश राष्ट्रपति द्वारा तय की गई तिथि से लागू होता है। इन आदेशों की प्रतियां लोकसभा या संबंधित राज्य की विधानसभाओं में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें संशोधन की अनुमति नहीं होती है। चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद अब निसर्ग चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के तटों पर दस्तक दिया। मौसम विभाग की माने तो ये सदी का पहला चक्रवाती तूफान है जो महाराष्ट्र के तट से टकराया। इसके पहले 1948 और 1980 में ऐसे चक्रवाती तूफान उठे थे, लेकिन समुद्र में ही कमजोर पड़ने के चलते तट से नहीं टकरा पाए। निसर्ग को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाने के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की टीमों को शहर के विभिन्न इलाकों में तैनात कर दिया गया था। चक्रवाती तूफान निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश ने किया है। निसर्ग बंगाली भाषा का शब्द है, जिसका मतलब ब्रह्मांड या प्रकृति होता है। समुद्री तूफानों के नामकरण की जारी नवीन सूची में निसर्ग पहला नाम है। दरअसल इसके पूर्व जारी 64 नामों की सूची अम्फान के साथ ही समाप्त हो गई। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीक मै के अनुभव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। यह पहली बार है जब इस सम्मेलन का आयोजन ऑनलाइन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन 1 से 7 जून के बीच किया जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन इस बात पर केंद्रित रहेगा कि लॉकडाउन के दौरान युवाओं में उत्पन्न तनाव को किस प्रकार कम किया जाए। स्पीक मै के एक गैर राजनीतिक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक आंदोलन है। इसका पूरा नाम सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ है। भारत सरकार द्वारा COVID-19 प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार 10 राज्यों के लिए किए गए विश्लेषण में राजस्थान पहले पायदान पर रहा। इस सूचकांक में बताया गया है कि COVID-19 महामारी का डबलिंग रेट देश में 12 दिन है, वहीं यह दर राजस्थान में 18 दिन है। हाल ही में सरकार ने पैरासीटामॉल की सक्रिय औषधि सामग्री यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी API के निर्यात से रोक हटाने का ऐलान किया गया है। दरअसल कोरोना महामारी के बीच सरकार नए घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से पैरासीटामॉल और उसके फार्मुलेशंस के निर्यात पर अंकुश लगा दिया था। भारत ने पिछले 2 महीने में 120 से अधिक देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामॉल की आपूर्ति की है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने पैरासीटामॉल API के निर्यात पर लगे अंकुश को भी अब हटा दिया है। सक्रिय सामग्री एक प्रकार से कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग टैबलेट कैप्सूल्स और सिरप बनाने में होता है। इस प्रकार किसी भी दवा को बनाने में API की अहम भूमिका होती है। ऐसे ही कच्चे माल के लिए अधिकांश भारतीय कंपनियां चाइना पर निर्भर करती हैं। पिछले वर्ष टाटा स्टील कोलकाता 25 के प्रतियोगिता जीतने वाली लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर विश्व एथलेटिक्स डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी वाडा ने प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधित दवा लेने की पुष्टि वाडा की दोहा स्थित अधिकृत लैब में जांच के बाद हुआ। उनके प्रतिबंध की अवधि 15 दिसंबर 2019 से शुरू हो गई। इसी दिन उनसे नमूने लिए गए थे। विश्व एथलेटिक्स 26 फरवरी को उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। एथलेटिक्स नैतिकता इकाई ने कहा, इस दौरान उनकी सभी स्पर्धाओं के नतीजे रद्द माने जाएंगे, साथ ही सारे खिताब पुरस्कार पदक इनामी राशि वापस ले ली जाएगी। कौर ने पिछले वर्ष मार्च में पटियाला में फेडरेशन कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 10,000 मीटर से
कांस्य पदक के साथ गुवाहाटी में राष्ट्रीय अंतर प्रांत चैंपियनशिप में 5000 मीटर में रजत पदक जीता था। अमेरिका के निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS में पहुंच गया। इस तरह से स्पेसएक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बाहरी अंतरिक्ष में मानव निर्मित उपग्रह है जिसे अनुसंधान और शोध कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। इसे पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया गया है। ISS विश्व की कई स्पेस एजेंसियों का संयुक्त उपक्रम है जिसे बनाने में अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपीय देशों की स्पेस एजेंसी काम कर रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में COVID-19 की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों की सहायता के लिए दिल्ली कोरोना नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आम लोगों को जानकारी प्राप्त होगी कि दिल्ली के सरकारी और निजी हॉस्पिटल में कितने बेड और वेंटिलेटर खाली हैं। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि यह बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ही जानकारी देता है। 4 जून 2020 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन यानी गावी को $15 मिलियन की सहायता का ऐलान किया है। COVID-19 महामारी के बीच हुए इस ऑनलाइन समिट की मेज़बानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया। इस समिट में तकरीबन 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटी और सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया। इस समिट का मकसद गावी के लिए $7.4 अरब का फंड इकट्ठा करना है ताकि आने वाली चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि वो अगले 5 सालों में $15 मिलियन की मदद करेंगे। वर्ष 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसी अवसर पर प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है। भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1963 में 12वां संविधान संशोधन पारित करके गोवा को भारत का आधिकारिक रूप से अभिन्न अंग घोषित किया। इस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। आगे चलकर 30 मई 1987 को गोवा को दमन और दीव से अलग करके एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI ने रजत पदक विजेता अमित पंधाल और विकास कृष्ण को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। अमित पंधाल वर्ष 2019 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज थे, जबकि BFI ने अर्जुन पुरस्कार के लिए विश्व कांस्य विजेता लुवालिना, सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक को नॉमिनेट किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991-92 में की गई थी। इस पुरस्कार को युवा और खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, जिसके तहत विजेता खिलाड़ी को एक पदक और एक प्रमाण पत्र के साथ 7.5 लाख की नकद धनराशि प्रदान की जाती है। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्वभर में मनाए जाने वाले पर्यावरण दिवस के लिए हर साल पर्यावरण दिवस की थीम प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए अलग अलग निर्धारित की जाती है। साल 2020 के लिए पर्यावरण दिवस की थीम समय और प्रकृति को निर्धारित किया गया है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर संपूर्ण विश्व पर्यावरण को सुधारने के लिए प्रयास करता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया है। साथ ही BCCI ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नॉमिनेट किया। भारत सरकार का युवा और खेल मामलों के मंत्रालय ने BCCI से खिलाड़ियों के नाम मांगे थे, जिनका चयन 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। प्रत्येक वर्ष 10 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दूध के वैश्विक महत्व को उजागर करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी।
इस दिवस को मनाने का मकसद दुग्ध और डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता, आजीविका और अधिक विकास को मजबूत करना है। प्रत्येक वर्ष दुग्ध दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक थीम निर्धारित किया जाता है। पिछले वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की थीम भारत में दूध पिए आज और रोज था। विश्व दुग्ध दिवस की पहल को 20 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस कारण इस वर्ष की थीम को वर्ल्ड मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ रखा गया है। आपको बताते चलें कि प्रथम विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2001 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इसे मान्यता देने से पहले बहुत से देश 1 जून को दुग्ध दिवस के रूप में मनाते थे। तेलंगाना का गठन वर्ष 2014 में 2 जून को किया गया था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। 1990 के दशक से ही तेलंगाना के लोगों ने स्वयं को एक अलग राज्य के मांग के साथ विभिन्न संगठनों के साथ संगठित करना शुरू कर दिया था। साल 2008-09 में यह आंदोलन और गति पकड़ लिया और 4 वर्ष के संगठित विरोध के बाद भारत सरकार ने जुलाई 2013 में राज्य गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसके तहत फरवरी 2014 में संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित करके इस प्रक्रिया को पूरा किया। इसके बाद 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से तेलंगाना का गठन हो पाया। प्रत्येक वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को परिवहन के एक सरल, किफायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से सहज और टिकाऊ संसाधनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया गया था। हाल ही में विमल जुल्का समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण को लेकर विमल जुल्का समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी सिफारिश में बताया कि मंत्रालय में अनेक संस्थान एक जैसे ही कार्य कर रहे हैं, लिहाजा 4 व्यापक कार्यक्षेत्र के साथ साथ एक प्रमुख संगठन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि व्यावसायिक फिल्मों के निर्माण के लिए स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के वित्त पोषण के लिए फिल्म प्रमोशन फंड का निर्माण किया जाना चाहिए। 30 मई 2020 को अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची जारी की है। इस सूची में स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी और 20 ग्रैंड स्लैम के विजेता रोजर फेडरर पहले स्थान पर हैं। फेडरर की कुल कमाई तकरीबन $106.3 मिलियन है, जो कि भारतीय मुद्रा के अनुसार तकरीबन 800 करोड़ रुपये है। इस सूची में $105 मिलियन की कमाई करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली एकमात्र भारतीय के रूप में इस सूची में शामिल किए गए हैं। $26 मिलियन तकरीबन 196 करोड़ रुपए कमाई करने वाले विराट कोहली को इस सूची में 66वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में विराट कोहली 2019 में 100वें और 2018 में 83वें स्थान पर थे। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद खान हमारे बीच नहीं रहे। 1 जून को 42 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वाजिद ने 1998 में सलमान खान की अभिनय वाली फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से अपने करियर की शुरुआत की थी। वाजिद खान संगीतकार के साथ साथ अच्छे गायक भी थे। IPL के चौथे सीजन के थीम सॉन्ग को वाजिद ने अपनी आवाज़ दी थी। बॉलीवुड में इनके योगदान के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, जी सिनेमा अवार्ड और स्टार स्क्रीन अवार्ड आदि से सम्मानित किया जा चुका है। 31 मई को PM मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने मासिक मन की बात संबोधन के दौरान सभी लोगों से आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा एक संयुक्त प्रयास माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है। यह प्रतियोगिता व्यक्तियों के जीवन पर योग के रूपांतरकारी प्रभाव पर फोकस करता है और 21 जून 2020 को मनाए जाने वाले 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित कार्यकलापों में से एक है। बीते 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक साझेदारों द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस या वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया। वर्ष 2020 के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम युवाओं को तंबाकू आधारित उद्योगों की नकली वस्तुओं से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना है।
कोविड 19 के कारण वंदे भारत मिशन के तहत विश्व के विभिन्न देशों से वापस लौटने वाले कुशल कामगारों के कुशल उपयोग के लिए स्वदेश यानी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट पहल के तहत सरकार इन नागरिकों के कौशल मानचित्रण का फैसला किया है। भारत सरकार की कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का संयुक्त पहल है। इस पहल के तहत भारत आने वाले नागरिकों को एक ऑनलाइन स्वदेश स्किल कार्ड भरना होगा, जिसे भारतीय कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा। स्वदेश कौशल फॉर्म की ऑनलाइन शुरुआत 30 मई 2020 को किया गया था और 4 दिन के भीतर ही 7,000 से अधिक पंजीकरण किए जा चुके हैं। टीवी प्रोड्यूसर कृष्णेंद्र मजूमदार को द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा का नया अध्यक्ष चुना गया। कृष्णेंद्र मजूमदार अगले 3 सालों तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले मजूमदार 1 वर्ष बाफ्टा के उपाध्यक्ष पद को संभाल चुके हैं। कृष्णेंद्र मजूमदार पिछले 35 वर्षों के इतिहास में बाफ्टा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।